नमस्कार विजय केसी न्यूज, आपका स्वागत है। फिलहाल सीधी तस्वीरें देख बता दें आपको, इंडस्ट्रियल एरिया फेज टू के पास जो बैरिकेटिंग है, जो चंडीगढ़ और पंचकुला की जो बैरिक, वहां पर आपको दिखाई तस्वीरों में किस तरह से जो पुलिस प्रशासन है पूरी मुस्तैदी से तैनात है और किस तरह से हर वाहनों की, आने जाने वाले हर सभी वाहनों की जो है मुस्तैदी से चेकिंग की जा रही है। किस तरह से आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, किस तरह से हर सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है, किस तरह का कोई मूवमेंट पास या फिर किसी अन्य तरह की सुविधाएं जो हैं अगर आपको दी गई है प्रशासन की तरफ से, कोई मूवमेंट पास दिया गया है कि नहीं दिया गया है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हर वाहनों को चेक कर जो है वहाँ से भेजा जा रहा है। अगर जो चंडीगढ़ से जो लोग आ रहे हैं पंचकुला की तरफ जा रहे हैं, सभी वाहनों को देखेंगे आप किस तरह से जो है मूवमेंट पास को जो है चेक किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा, और जो भी बिना मूवमेंट के अगर निकलते पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पर आपको दिखा दें कि किस तरह से जो बिना मूवमेंट के जो लोग हैं वो घूमते नज़र आ रहे हैं, उनको जो चंडीगढ़ से जो आ रहे हैं पंचकुला की तरफ जाने के लिए जो बिना मूवमेंट के हैं उनको किस तरह से, अगर उनके पास किसी तरह का कोई मूवमेंट पास नहीं है तो उन गाड़ियों को वापस भेज दिया जा रहा है। आपको तस्वीरों में दिखाएं किस तरह से जो है, चाहे वो चार पहिया गाड़ी हो, चाहे दो पहिया गाड़ी हो, या कोई भी पैदल जा रहा हो, लेकिन हर तरह के वाहनों की या फिर हर तरह की जो चेकिंग है वो मुस्तैदी से यहाँ की जा रही है। आपको पूरा मामला बता दें, इंडस्ट्रियल एरिया फेज टू जो चंडीगढ़ से जो पंचकुला की तरफ को जो जाता है वहाँ बैरिकेटिंग लगाई गई है इंडस्ट्रियल एरिया फेज टू के पास। आपको बता दें तस्वीरों में किस तरह से सभी वाहनों की जो है लगातार चेकिंग की जा रही है, बिना मूवमेंट पास के या फिर बिना प्रशासन के इजाज़त के जो पास बने हैं उन पास के बिना किसी भी गाड़ियों को जो है यहाँ से जाने दिया नहीं जा रहा है। अगर किसी तरह का कोई पास आपके पास नहीं है तो आपकी गाड़ी को जो है वापस चंडीगढ़ के रास्ते को भेज दिया जाता है, क्योंकि पंचकुला में एंट्री बिना मूवमेंट पास के नहीं है। वहीं पर आपको बता दें कि किस तरह से जिस तरह जो पास है, अगर आप जा सकते हैं हरियाणा की वेबसाइट है या फिर चंडीगढ़ की वेबसाइट है, कहीं से भी जाकर जहाँ पर आपको प्रशासन की तरह से सुविधा दी गई है जहाँ से आप पास लें, और अगर आपको मूवमेंट करनी है तो जिस तरह की मूवमेंट करनी है बिना पास के मूवमेंट ना करें, क्योंकि अगर ऐसे करते हैं तो आपका समय भी ख़राब होता है, गाड़ी का तेल भी ख़राब होता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानियाँ आती है जो आपके साथ बनी रहती है। इसलिए अगर आपसे निवेदन होगा कि अगर आपने मूवमेंट करनी है, अगर आपने घर से बाहर निकलना है, ज़रूरी काम से निकलना है, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं उन सब का पालना करें और ई पास जो है वो जनरेट करके ही घर से बाहर ज़रूर निकलें। देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी लाइन है, अगर बात करी जाए लाइन की तो काफ़ी लंबी लाइन है, बिना चेकिंग किए कोई भी वाहन जो है यहाँ से निकले नहीं जा रहे हैं, और जितनी भी लंबी लंबी लाइन लगी है वो सिर्फ इसीलिए कि वाहनों को चेक किया जा रहा है, मुस्तैदी से चेक किया जा रहा है कि किस तरह के जो वाहन के अंदर कोई कमी पेशी है या मूवमेंट पास नहीं है तो उनकी आवाजाही के ऊपर अवरोध लगाया जा रहा है। बने रहे तस्वीरों में। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी। इसके बारे में बताएं कि सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, क्या चेकिंग कर रहे हैं आप सर? इसमें हम चेक कर रहे हैं मूवमेंट पास। ठीक है, जिसके मूवमेंट पास नहीं उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसको वापस भेज रहे हैं, पास बनाए फिर बाद में आना। अच्छा, मतलब बिना पास के जो आ रहे हैं उनको, जिससे चंडीगढ़ से जो आ रहे हैं चंडीगढ़ को वापस कर दिया? हाँ जी, वापस किया जाता है उनको, एंट्री नहीं। अगर एमरजेंसी या कोई हारी बीमारी है वो अलग बात है। ठीक है, हाँ जी। ये नाका कब से चल रहा है? 24 घंटे चलता रहता है नाका? ये 24 घंटे चलता है। ठीक है सर, ये कौन सा नाका है सर? ये नाका विकास नगर है, फेज टू पंचकुला। फेज टू वाला, फेज टू पंचकुला। थैंक यू सर।